हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से। स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर या तो बहुत इजी हो जाता है या बहुत टफ हो जाता है, डिपेंड करता है कि उन्हें जो डायरेक्शंस वगैरह हैं वो सब समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जो है ध्यान देना, मैं पूरा चैप्टर जो है आप लोगों को राइट हैंड थंब रूल पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स देखो, हमें पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब स्पेस में मूव करता है, ठीक है, जहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो उस पर जो है कोई फोर्स नहीं लगेगा और वो मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो ओरिजिनली मूव कर रहा था, ठीक है। पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और वो फोर्स कितना होता है, तो देखो, इफ अ चार्ज क्यू मूव्स विथ वेलोसिटी वी इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो बच्चों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है वो सपोज इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा विद सम वेलोसिटी वी, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा और फोर्स होगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन वेक्टर वी एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो, ये जो फोर्स है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये फोर्स जो है वो ज़ीरो कब होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, इफ़ क्यू इज़ ज़ीरो, मतलब अगर न्यूट्रॉन मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, क्योंकि उस पर चार्ज ज़ीरो होता है, इफ़ क्यू इज़ ज़ीरो, इफ़ वी इज़ ज़ीरो, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा। एंड साइन थीटा शुड बी ज़ीरो, साइन थीटा इज़ ज़ीरो का मतलब है थीटा इज़ आइदर ज़ीरो और 180 डिग्री, क्योंकि साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है, साइन 180 भी ज़ीरो होता है, इन दोनों केस में फोर्स विल बी ज़ीरो। सेकेंड, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, इफ़ साइन थीटा इज़ मैक्सिमम दैट इज़ 1, ठीक है। और साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो ध्यान रहे कि जब वो 90 डिग्री में एंटर करेगा, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, द फोर्स विल बी मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह 1 रख दो तो ये हो जाएगा क्यू वी बी, ठीक है। और थर्ड जो है, यूनिट की अगर मैं बात करूँ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो, निकोला टेस्ला साइंटिस्ट पे जो है यूनिट का नाम है, दैट इज़ टेस्ला, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ये SI यूनिट है। और CGS यूनिट जो है वो गॉस है, तो दिस इज़ SI यूनिट, और CGS यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज़ गॉस। और 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला इज़ 10^4 गॉस, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग यूनिट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फार्मूला हो जाएगा, या इस फार्मूला के बेस पे हो जाएगा, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी, साइन थीटा वैसे कांस्टेंट है, तो एक और यूनिट हो जाएगा, फोर्स इज न्यूटन, चार्ज इज कूलम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, तो ये एक यूनिट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं कूलम पर सेकेंड को एम्पियर लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो ये सारे यूनिट्स जो हैं मैग्नेटिक फील्ड के हैं, आप लोग जो है याद रख सकते हो। और डायमेंशन फॉर्मूला जो हम लोग नेक्स्ट शीट में देखते हैं।
देखो डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी है, ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस टू, और चार्ज का होता है ए टी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ एल टी माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टी और टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एम टी माइनस टू ए माइनस वन। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला है और आप लोगों को याद रखना है या डेराइव कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स है दैट इज एफ एम, उसका डायरेक्शन फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ध्यान से सुनना, देखो अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, दैट इज फोर्स विल बी पैरेलल टू वी क्रॉस बी इफ चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, एंड फोर्स विल बी एंटी पैरेलल टू वी क्रॉस बी इफ चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, तो डायरेक्शन हम लोग फाइंड करेंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, और मैं आप लोगों को जो है राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल जो है वो थीटा है, चार्ज पार्टिकल इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो राइट हैंड यूज़ करना है, वी क्रॉस बी कर रहे हैं, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हम लोग राइट हैंड के फिंगर्स को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है कि पॉइंट योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ वी। मैं यहाँ पे बच्चों ये लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोग बार बार समझाने के बाद भी गलती करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, हाथ को ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, कहीं भी रख दो, पर हाथ को सीधा, ऐसे ऐसे मुड़े हुए हाथ नहीं होने चाहिए। बच्चे लोग क्या करते हैं राइट हैंड के हिसाब से पहले से ही हाथ को ऐसे मुड़ा के रखते हैं, ये सब नहीं। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है आप उस डायरेक्शन में पहले राइट हैंड को ऐसे रख दो, कैसे भी रख सकते हो, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो सपोज आपने वेलोसिटी इधर जा रही है, आपने हाथ को ऐसे रख दिया, ठीक है, हाथ को आप ऐसे रख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपके फिंगर जो है वो कर्ल कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ हो रही है कर्ल। तो हमें ऐसे हाथ को रखना है कि हमारी फिंगर जो है वो इस डायरेक्शन में कर्ल हो, मतलब अगर मैं हाथ को ऐसे रखूँगा तो मेरी फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मुड़ रही है, समझ में आ रहा है। तो अगर तो आप लोग अगर ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो, कैसे भी फाइनली आपको हाथ को ऐसे कर देना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मुड़ सके। द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब ऊपर की तरफ है तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी हो गया, और थर्ड स्टेप है थंब विल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ध्यान से सुनना, आपने V क्रॉस B किया, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, पर अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फिर ऊपर की तरफ फोर्स, अगर नेगेटिव है तो हम उसे उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ Q इज पॉजिटिव, और फोर्थ पॉइंट इफ Q इज नेगेटिव तो थंब को 180 डिग्री घुमा दो, ठीक है। अगर मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पॉजिटिव हुए हैं तो वी क्रॉस भी थंब ऊपर होगा, अगर नेगेटिव होता तो थंब को 180 डिग्री घुमा के नीचे, ठीक है, उल्टा कर देना। इफ क्यू इज नेगेटिव देन फोर्स विल बी एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ थंब, ठीक है, फोर्स विल बी ऑपोजिट लिख देता हूँ, ऑपोजिट टू द थंब डायरेक्शन।
ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम लोग डॉट लिखते हैं, मतलब फोर्स जैसे ऊपर की तरफ है तो ऊपर हम लोग कैसे बताएंगे यहाँ पे, तो हम लोग एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के अंदर एक डॉट बनाते हैं और फिर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि जो है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी इज़ परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अगर डॉट है तो वो आउटवर्ड है और क्रॉस है तो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये दो साइन याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डॉट का मतलब है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ड या इनटू, ठीक है, द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन और डॉट मतलब बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना और मेरे ख्याल से राइट हैंड थंब रूल आप लोगों को समझ में आया होगा और फ्यूचर में हम लोग जो है इस पे जब क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो भी राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। और अब मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो कि सिक्स्थ पॉइंट है। स्टूडेंट, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल, या फिर आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज़ कॉन्स्टेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर स्पीड इज़ कॉन्स्टेंट। ध्यान रहे ये जो वी है वो यहाँ पे स्पीड है। ठीक है, तो अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछा हो तो उसका जो रीज़न है वो क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, कि वाई द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज़ कॉन्स्टेंट एंड वाई द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो वी नो दैट एफ इज़ इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस वी। ठीक है, ये हमें पता है। और अगर मान लो कि ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारा जो फोर्स होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हमारा अंगूठा होता है, तो यू कैन सी दैट ये अंगूठा और ये फिंगर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल जो होगा दैट इज़ 90 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे कि फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। ये दोनों चीज़ें बड़ी काम की हैं। ठीक है, हमारा अभी जो काम है वो इससे है कि फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब देखो, फोर्स अगर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है इट मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट से भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो किसी भी पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट हो या वेलोसिटी हो उसको हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो फोर्स अगर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है तो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर हुआ, एंड हेंस वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, वेर थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस 90 डिग्री विच इज़ ज़ीरो। तो पहले हमें वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज ज़ीरो, तो हमें ये मिल जाता है यहाँ पर। नाउ वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। तो वर्क डन अगर ज़ीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगा, इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट चेंजिंग, मींस इट इज़ कांस्टेंट। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो हाफ एम वी स्क्वायर कांस्टेंट हुआ, और मास और टू तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, इट मींस स्पीड इज़ आल्सो कांस्टेंट। बच्चों ध्यान से सुनना, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है मतलब वो एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो एक्सेलरेट भी करेगा। ठीक है, और ये तीनों जो स्टेटमेंट्स है उसका रीज़न हमें यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज़ कांस्टेंट एंड वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें इसका भी यूज़ होता है कि हमें एक्सेलरेशन गिवन होता है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन होता है और हमें उसमें कुछ वैल्यू फाइंड करने को कहा जाता है। तो ये यहाँ से फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा, तो इट मीन्स दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी ज़ीरो। तो ये चीज़ भी दिमाग में फिट कर लेना, और यहाँ पे भी
डॉट प्रोडक्ट हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होता है, पर ये चीज़ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे हमें पता है कि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, अगर मान लो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वो किस एंगल पे एंटर हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप ऐसे जा रहे हो और आप पे फोर्स पीछे की तरफ लगता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप पे फोर्स साइड में लगता है तो आप ऐसे घूम जाओगे। तो जो आपका पाथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप पे फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, और फोर्स डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थीटा को, मैं जो है वो ज़ीरो ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं थीटा इज़ ज़ीरो और 180 डिग्री। यहाँ पे हम लोग थीटा के अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे, पहले हम लोग 0 और 180 ले रहे हैं, फिर 90 लेंगे, और फिर जनरल कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ थीटा इज़ 0 और 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें थीटा विल बी, थीटा इज़ इक्वल टू 0 और थीटा इज़ इक्वल टू 180। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर कर रहा है विद सम वेलोसिटी वी, और यहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी। हमें पता है कि इफ थीटा इज 0 और 180 तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, मतलब फोर्स इज 0। ठीक है, क्योंकि बिकॉज साइन 0 इज 0 एंड साइन 180 इज ऑल्सो 0, तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है एक बराबर है। तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कह चुका हूँ कि जब कोई भी फील्ड नहीं होती है तो चार्ज पार्टिकल जो है जैसे आ रहा है वैसे ही जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा बिहेव हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट मूव करेगा और यहाँ पर भी स्ट्रेट मूव करेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं कि थीटा इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 होता है तो उस केस में जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स दैट इज क्यू वी बी साइन 90, और साइन 91 होता है तो फोर्स इज मैक्सिमम दैट इज क्यू वी बी। ठीक है, ये तो हुआ फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि जो पाथ है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस बना रहा हूँ, क्रॉस मतलब पेपर के अंदर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर पेपर के अंदर जा रही है तो 90 डिग्री करने के लिए हम लोग चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में भेजते हैं। ये चार्ज पार्टिकल है, ये वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज 90। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पेपर में अंदर जा रही है, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एंगल इज 90 डिग्री। अब आप लोगों को सबसे पहले जो है फोर्स का डायरेक्शन पता करना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब ये थोड़ा मेरे लिए टफ है क्योंकि लेफ्टी हूँ मैं, फिर भी देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो आपके फिंगर जो है वो अंदर की तरफ मुड़नी चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनना, जब फोर्स वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, स्पीड क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, पर यहाँ पे ये फोर्स जो है वो क्या करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है 11th में भी सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, पर जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और वो डायरेक्शन चेंज करता है, सिर्फ स्पीड चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे भी जो है पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा और पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर फिर से तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी। फिर से आप देख सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है,
ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर फिंगर्स घुमा दी, थर्ड विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर से जो है फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ऐसे करते करते फिर से डायरेक्शन चेंज होगा, और क्यों, अगर वो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो पाथ विल बी सर्कुलर, तो इस प्रकार से सर्कुलर पाथ हो जाएगा। बड़ा गंदा सा सर्कल बनाया मैंने, पर आप लोग जो है थोड़ा समझ जाना, ठीक है। यहाँ पे सब जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पर अच्छा सा सर्कल बना के बताता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों यहाँ पे जो है अच्छा सर्कल बना दिया, आप देख सकते हो कि ये वेलोसिटी है और फोर्स जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये पार्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा अगर यहाँ पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होगी तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगी तभी फोर्स जो है हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर रहेगा और वो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहेगा और पाथ विल बी सर्कुलर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पाथ इज सर्कुलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है दैट इज़ मैग्नेटिक फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट एज या एज एक्टिंग एज सेंट्रिपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे एफ एम इज इक्वल टू एफ सी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है क्यू वी बी साइन 90 दैट इज़ 1, और सेंट्रिपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगा दैट इज़ एम वी अपॉन क्यू वी। तो जो रेडियस है चार्ज पार्टिकल का दैट इज़ 10 एम वी अपॉन क्यू वी। ये जो सर्कल है इसका हमें रेडियस मिल गया, दिस इज़ एम वी अपॉन क्यू वी। आप देख सकते हो कि रेडियस जो है वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर चार्ज पार्टिकल का मास क्यू और बी फॉर टाइम बीन हम लोग कॉन्स्टेंट रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी ज़्यादा स्पीड है, सपोज़ प्रोटॉन ही है, अगर वो कम स्पीड से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका सर्कल जो है वो छोटा होगा, अगर वो ज़्यादा स्पीड से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका सर्कल जो है वो बड़ा होगा। तो रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब यहाँ पे रेडियस के और भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला फार्मूला तो एम बी अपॉन क्यू बी है, मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम लिख सकते हैं, और मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 m k, वेर k इज़ द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चौथा फार्मूला ही हो जाएगा। अब बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चारों फार्मूलाज जो हैं बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और क्वेश्चंस जो हैं इनके ऊपर बनते हैं, कैसे बनते हैं वो सब बता रहा हूँ मैं अभी। देखो जब भी काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में हो तो आप लोगों को ये फार्मूला यूज़ करना है, जब भी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड यूज़ किया हो तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना है, मोमेंटम हो तो ये, और स्पीड हो या वेलोसिटी हो तो ये फार्मूला, ठीक है। अब p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 m k कैसे आता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 11th में वैसे तो पढ़ चुके हैं फिर भी बता रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों तरफ आप लोग 2 m k से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 m k विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज़ नथिंग बट p स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो गया हमारा 2 m k, जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 m k। दूसरा काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वर्क डन जो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वर्क डन इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस, ठीक है, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो। तो इसलिए हमने काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब रेडियस के ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा वो बता रहा हूँ। उसके पहले आप लोगों को, वैसे तो मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है, सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल की बात करेंगे। अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 4 times मास ऑफ प्रोटॉन। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं ड्यूट्रॉन की, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन के लिए चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन
is equal to charge of proton and mass of deuteron is twice of mass of proton. ध्यान रहे ये सारी चीज़ें प्रोटॉन से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, दो चीज़ याद होनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी का, तो क्वेश्चन ऐसा है कि अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रेडियाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर बना रहा हूँ, अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कुछ भी तीन पार्टिकल ले लिए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। इसके ऊपर बनेगा, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन आर हैविंग सेम स्पीड या विद एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड, ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला, सेम मोमेंटम तो ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप लोग रीड करोगे जो भी चीज़ें गिवन होगी उस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब हमें रेडियस मिल गया है तो हम लोग टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है दैट इज़ टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज़ 2πr/v, आर की वैल्यू रख दो, दिस इज़ 2π, आर की वैल्यू है mv/qb और नीचे ये वाला v कट जाएगा, दिस इज़ 2πm/qb। तो टाइम पीरियड आप देख सकते हो कि टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है स्पीड पे, टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, टाइम पीरियड हमारा है 2πm/qb, यहाँ पे कहीं स्पीड नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब अगर एक पार्टिकल v स्पीड से एंटर कर रहा है तो उसका रेडियस अगर r है तो जो 2v स्पीड से एंटर करेगा तो उसका रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ r, क्योंकि स्पीड पे डिपेंड कर रहा है रेडियस, अगर और पार्टिकल सेम यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पार्टिकल का चार्ज सेम है, मास सेम है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो स्पीड चेंज होने से रेडियस चेंज हो गया, पर यहाँ पे स्पीड चेंज होने से टाइम चेंज नहीं होगा, मतलब इसका टाइम अगर टी है तो इसका भी टाइम कितना होगा टी, ये गोल घूमने में टी टाइम ले रहा तो ये भी गोल घूमने में टी टाइम ही लेगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो उसकी स्पीड भी कम है, और यहाँ पर डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा है। टाइम अगर हमें मिल गया तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट 1/टाइम, तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका रेसिप्रोकल कर दो, और अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता है तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं ओमेगा, विच इज़ 2πf या फिर 2π/T, और वो हो जाएगा दैट इज़ qb/m। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड केस पे, जिसमें चार्ज पार्टिकल कोई जनरल एंगल पे एंटर कर रहा है अदर देन 0, 90 या 180। बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है तीसरा एंगल ले रहे हैं, थीटा इज एनी एंगल अदर देन 0, 90 और 180, ठीक है। थर्ड केस है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल जो है वो वी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जब चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है एट एन एंगल थीटा तो हमें पता है कि उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी कॉस थीटा और दूसरा होगा वी साइन थीटा। ये वेलोसिटी का हमने दो टुकड़े कर दिए, और अब आप ऐसे मान सकते हो कि इसको सेपरेटली ले लो कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो वी कॉस थीटा से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, तो हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंटर करता है तो पाथ जो होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारा पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, किसके वजह से, तो होगा वी कॉस थीटा की वजह से, ठीक है। और जो वी साइन थीटा है वो कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी वी साइन थीटा, तो हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो पाथ होता है सर्कुलर, ठीक है। और सर्कुलर पाथ जो हो रहा है हमारा वी साइन थीटा की वजह से हो रहा है, तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो पाथ जो हो जाएगा दैट इज़ हेलिकल, ठीक है। तो इसे हम लोग हेलिकल कहते हैं, किसे हेलिकल कहते हैं, तो ये स्प्रिंग जैसा जो पाथ होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में भी मूव करता है और सर्कल में गोल गोल घूमते हुए आगे जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे आगे आगे तरफ मूव करेगा, तो इसे हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं। और ध्यान रहे ये जो पाथ है उसकी जो एक्सिस होगी दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सिस है।
अब यहाँ पे हेलिकल पाथ में दो चीज़ें हैं, एक तो ये पिच है, तो पिच क्या होता है, तो पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन साइकिल। तो एक साइकिल में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम लोग पिच कहते हैं। तो जो पिच है दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड इन टू टाइम, और ये जो पिच हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो जो स्पीड है दैट इज़ विल बी वी कॉस थीटा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है दैट इज वी कॉस थीटा इन टू टाइम, टाइम हमें पता है दैट इज़ टू पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि टाइम जो है वो ना तो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और ना ही स्पीड पे, तो टाइम जो है वो कांस्टेंट है सर्कल में घूमने का, दैट इज़ टू पाई एम अपॉन क्यू बी, और ये हॉरिजॉन्टल स्पीड जिसकी वजह से पिच फॉर्म हो रहा है दैट इज़ वी कॉस थीटा। तो ये पिच का फॉर्मूला है, और रेडियस जो बन रहा है, जो हेलिकल पाथ का रेडियस बन रहा है, तो अगर आप ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है इसको आप इधर से अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपको सिर्फ एक सर्कल नज़र आएगा, ठीक है। पार्टिकल जो है वो ऐसे घूमता घूमता आगे जाएगा, तो आप एक साइड से देखोगे तो सिर्फ सर्कल नज़र आएगा, ये साइड व्यू है और इधर से व्यू करोगे तो सर्कल नज़र आएगा। तो ये सर्कल जो है उसका रेडियस कितना, तो रेडियस हम पढ़ चुके हैं दैट इज़ एम वी बाई क्यू बी, पर यहाँ पे जो रेडियस हो रहा है दैट इज़ सर्कल जिसकी वजह से हो रहा है दैट इज़ वी साइन थीटा, तो जो स्पीड है उसकी जगह हम लोग रख देंगे वी साइन थीटा। तो रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ इज एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अलग अलग केसेस देखे, ठीक है, एक में पाथ स्ट्रेट लाइन है, एक में सर्कुलर है, और तीसरे में हेलिकल है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में साइक्लोट्रॉन स्टडी करेंगे, थोड़ा डिविएशन भी पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल किस प्रकार से डिविएट होता है, लॉरेंस फोर्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर पढ़ेंगे, इस प्रकार से जो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।